जयपुर में इस बार राजस्थानी कला और संस्कृति की थीम पर 4 दिवसीय दीपावली मेला एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा है। उद्योग और वाणिज्य विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्था के सहयोग से जल महल के सामने राजस्थान होट में एग्जीबिशन लगेगी, जिसकी जिम्मेदारी इस बार जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने उठाई है। इस एग्जीबिशन का आगाज आज से होगा। राजस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप और स्कूटी के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। कोर्ट ने रोडवेज से 1.3 अरब रुपए से अधिक की रिकवरी के मामले में रोडवेज अध्यक्ष को 20 अक्टूबर को पक्ष रखने को कहा है, जबकि रोडवेज अध्यक्ष का ऑफिस, कुर्सी और सिंधी कैब बस अड्डे के बेचने और हस्तांतरण पर पाबंदी लगा दी है। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जोधपुर के कमिश्नरेट क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को 20 अक्टूबर से धारा 144 लागू होगी, जो 27 अक्टूबर को अगले आदेश तक जारी रहेगी। साथ ही क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का समापन समारोह आज SMS स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि होंगे। विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। राजस्थान के तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कोई नया तंत्र सक्रिय नहीं होने से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी हवाओं के असर के साथ ही वायुमंडल में नमी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। PM नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस गुजरात के केवड़िया में PM मोदी के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। जम्मू और कश्मीर के पूर्व CM मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे रूबिया के किडनैपिंग केस में यासीन मलिक की आज पेशी होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग पेरिस में आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की मीटिंग आयोजित की जाएगी।